वेलकम गाइस, स्मार्ट एंड ट्रिकी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ जीरो। इन लास्ट वीडियो वी आल्सो डिस्कस यूनिट डिजिट एंड डिविजिबिलिटी रूल। दिस इज पार्ट नंबर थर्ड इन नंबर सिस्टम। सो गाइस, दिस वीडियो इज इम्पोर्टेंट फॉर अपकमिंग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2020। सो गाइस, लेट फोकस ऑन दिस वीडियो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ जीरो कैसे कैलकुलेट करें। इसके टोटल चार मेथड हैं। फर्स्ट मेथड क्या है कि फर्स्ट मेथड में आपको क्वेश्चन में दिया होता है सिंगल पावर। सेकंड टाइप क्या है इसकी, डबल पावर, व्हेन क्वेश्चन इज गिवन इन डबल पावर। थर्ड इज व्हेन क्वेश्चन इज गिवन इन क्यूबिक पावर। एंड फोर्थ वन इज व्हेन क्वेश्चन इज गिवन इन फैक्टोरियल फॉर्म। सो गाइज, ईच एंड एवरी टर्म को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंगल पावर क्या है। सो गाइज, एग्जाम्पल के थ्रू हम हर एक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंगल पावर। सिंगल पावर के लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × …700। इसमें आपको कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ जीरो कितनी है। आप कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ जीरो कितनी है इसके अंदर। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको सबसे पहले ये पता करना, ये क्या है सर कि क्या है, पावर सिंगल है, 1 की पावर 1 है, 2 की पावर भी 1 है, 3 की पावर भी 1 है, तो सिंगल पावर है। और लास्ट टर्म को आपको देखना है, लास्ट टर्म क्या दी हुई है, 700। तो जो पावर आपको दी हुई है वो तो 1 है इसकी, लेकिन इसको आपको डिवाइड किससे करना है, 5 से डिवाइड करना है। हर एक टर्म को आपको डिवाइड नहीं करना, ओनली लास्ट टर्म को आपको किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। और 5 से तब तक डिवाइड करना है जब तक कि रिमाइंडर 5 से कम आ जाए। जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम इसको डिवाइड किया तो इसका डिवाइड करने के बाद कितना आया, 140। सेकेंड फिर हम क्या करेंगे, इस 140 को अगेन डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, 140 / 5। तो यहां पर कितनी टर्म आई, 28। अब फिर अगेन किससे डिवाइड करेंगे, इसे 5 से, 28 / 5। अब कितने पर डिवाइड हुआ, ये 5 पर। अभी भी क्या रिमाइंडर, 5 ही है या 5 से ज्यादा है, तो इसको अगेन किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो अब कितनी टर्म बन गई इस पर, 1। इस सब को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इन सब को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, आप कैलकुलेट करना है, इसको ऐड करना है इसके साथ और इसके साथ, तो टोटल कितना हो गया, 140 + 28 + 5 + 1 = 471। टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी हुई इस क्वेश्चन में, 174। टोटल कितनी हुई इसमें नंबर ऑफ जीरो, 174। इस क्वेश्चन को अगेन देखो कि क्या दिया हुआ है, कि आपको सिंगल पावर दी हुई है और मल्टीप्लिकेशन में आपको क्वेश्चन दिया मिलेगा। तो लास्ट आपको टर्म देखनी, 700 दी हुई है इसमें, इसको डिवाइड करना आपको 5 से। हर एक क्वेश्चन को आपको 5 से डिवाइड करना है लास्ट टर्म को। जब आप इसको 5 से डिवाइड करते हो, डिवाइड करने के बाद क्या आया, पहली टर्म कितनी आई, 140। सेकेंड टर्म जब आपने इसको डिवाइड किया 5 से, तो सेकेंड टर्म भी कितनी आई, 28। फिर अगेन इसको डिवाइड किया 5 से, तो 5 पर ही कैलकुलेट हुआ। और इसके बाद फाइनल जो टर्म होगी, 5 से 5 डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1। अब 1 जो बचा, इसको 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंप्लीट डिविजन नहीं है। आपको ओनली कंप्लीट डिविजिबल जितनी वैल्यू होंगी वो आपको लेनी है। तो आपने सब वैल्यू को क्या किया, ऐड किया, तो आपने कैलकुलेट किया क्या, नंबर ऑफ जीरो, 174 क्या होगी इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ जीरोज। सो गाइस, एक क्वेश्चन और देखते हैं सिंगल पावर का ही, 1 × 2 × 3
इंटू फोर इंटू डॉट 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 इंटू 643। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ जीरो। कैसे कैलकुलेट करोगे? 643 जो टर्म दी हुई है आपको, इसको डिवाइड किससे करोगे? 5 से। 643 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? पहली जो टर्म आएगी वो कितनी आएगी? 128 क्या आई? पहली टर्म। अब इसको क्या करोगे? अगेन डिवाइड करोगे किससे? 5 से। 128 डिवाइड बाय 5, अगेन कौन सी टर्म बनी यहां पर? 25। अब 25 को डिवाइड किससे करोगे? 5 से। टर्म कितनी बनी यहां पर? 5। सो गाइस 5 को किससे डिवाइड करोगे? अगेन 5 से। डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? 1। कब तक डिवाइड करना है क्वेश्चन को? जब तक कंप्लीट डिविजिबल हो। अब इस इन सभी वैल्यूज को क्या कर देना है आपको? ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद क्या आएगी वैल्यू? 128 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 1, तो टोटल कितना हो गया? 128 प्लस 25 प्लस 5 30 प्लस 1 31, तो टोटल कितना हो गया? 159। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी? 159 नंबर ऑफ जीरो होगी इस क्वेश्चन में। सो गाइज अब हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ जीरो इन डबल पावर। डबल पावर में कैसे क्वेश्चन को करते हैं? तो एग्जांपल क्या है? एग्जांपल दिया हुआ है 1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 इंटू डॉट 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 13 की पावर 2। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में आपको निकालनी है नंबर ऑफ जीरोज क्या होगी। नंबर ऑफ जीरो कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको सेम पहले की तरीके से ही क्वेश्चन को करना है। पहले की तरीके से क्या है कि लास्ट वैल्यू को हम पहले लेते थे, तो इस वैल्यू में भी सेम यही करना। 13 डिवाइड बाय 5, डिवाइड किया तो क्या बचा? 2। अब फर्दर इसको हम डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि कंप्लीट डिविजिबल हो चुका है, इसके बाद डिविजिबल नहीं होगा। तो 2 जो वैल्यू आएंगी फाइनल, उसको पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। पावर क्या दी हुई है? 2 पावर दी हुई है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो इस क्वेश्चन में कितनी आएंगी? 4 आएगी। ऐसे ही और क्वेश्चन दिया हो, 1 का स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर इंटू 3 का स्क्वेयर इंटू डॉट 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 36 का स्क्वेयर, ये दिया हुआ क्वेश्चन। तो आप कैसे करोगे इसे? 36 डिवाइड बाई 5, तो क्या बना? सबसे पहले 7 को डिवाइड किया किससे? 5 से। कितना आया? 1। और इसके बाद फर्दर डिवाइड होगा नहीं क्योंकि रिमाइंडर कितना बचा है? 2। तो इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड। तो ऐड करने के बाद वैल्यू क्या है? 8। बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, तो आप 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? जो कि इसमें पावर दी हुई है। डबल पावर क्या है? 2 है। तो 8 × 2 = 16। तो नंबर ऑफ जीरो इस क्वेश्चन में कितनी होंगी? 16 होगी। सो गाइस जैसे कि आपने डबल पावर सीखा, ऐसे ही आप ट्रिपल पावर को कर सकते हैं। ट्रिपल पावर में या क्यूबिक पावर में आप क्वेश्चन को कैसे करोगे? जैसे कि एग्जांपल दिया है 1 का क्यूब 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू डॉट 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 18 का क्यूब, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो आप इसमें नंबर ऑफ जीरो कैसे कैलकुलेट करोगे? सेम वही प्रोसेस, लास्ट वैल्यू को आपको लेना है 18 डिवाइड बाय 5, डिवाइड करने के बाद वैल्यू कितनी बनी? 3। अब इसको फर्दर आप डिवाइड कर नहीं सकते हैं, तो यही जो वैल्यू होगी ये फाइनल वैल्यू होगी। इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करोगे आप? ये जो क्यूबिक पावर जो दी हुई है इसकी मल्टीप्लाई, यही क्या होगा? फाइनल आंसर। 9 क्या होंगी? नंबर ऑफ जीरो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 1 की क्यूब 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब डॉट 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 130 का क्यूब, ये दिया हुआ है। तो आप सिंपली क्या करोगे? वही करोगे जो सेम प्रोसेस पहले से करते आ रहे हो। 130 को क्या करोगे? 5 से डिवाइड करोगे। 130 डिवाइड बाय 5, तो क्या आ रहा है? 130 को जब 5 से डिवाइड कर रहा है तो क्या आएगा? 26। 26 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 5। और 5 को जब 5 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आ रहा है? 1। इस इन सभी वैल्यूज को क्या करोगे आप? ऐड कर दोगे, कितना हुआ? 32 इंटू
अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, लास्ट क्या है, क्यूबिक पावर, तो क्यूबिक पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 96। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी, 96 आएंगी। सो गाइस अगर क्वेश्चन में आपको सभी वैल्यूज ओड दी हुई हैं, अगर सभी वैल्यूज ओड दी हुई हैं, जैसे कि 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 11, ये सभी क्या है, ओड वैल्यूज हैं। ओड वैल्यूज अगर सभी दी हुई हैं तो इनमें नंबर ऑफ जीरो क्या होंगी, नंबर ऑफ जीरो क्या होंगी, जीरो ही होंगी, क्या होंगी, जीरो ही होंगी, क्योंकि इसमें कोई भी टर्म आ नहीं रही है। इवन इवन जब तक टर्म नहीं आएगी तब तक क्वेश्चन में जीरो नहीं आ सकती। जैसे कि 1 × 3 × 5 × 8, यहाँ पर क्या आ गई है, इवन टर्म आ गई। इवन टर्म आने के साथ ही क्या आ गया, इसके अंदर जीरो एंटर कर गया, अदरवाइज इसके अंदर जीरो एंटर नहीं करेगा तो कैलकुलेट कैसे होगा। तो ओड अगर लगातार टर्म दे रखी है आपको तो क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ जीरो क्या होंगी, जीरो होंगी। सो गाइज अभी हम देखते हैं फैक्टोरियल फॉर्म में आप कैसे चेक करें। फैक्टोरियल फॉर्म अगर क्वेश्चन आपका दे रखा किसमें, फैक्टोरियल फॉर्म में, जैसे ये दे रखा 1 2 6 3 फैक्टोरियल और 1 2 3 फैक्टोरियल, और आपको कैलकुलेट करना नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी। अगर क्वेश्चन में ये दोनों टर्म साथ में दे रखी है तब आपको लेना है हमेशा स्मॉल वैल्यू को लेना है। स्मॉल वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 फैक्टोरियल क्या है, स्मॉल वैल्यू है, तो आपको स्मॉल वैल्यू को लेकर के कैलकुलेट करना है। अगर सिंगल सिंगल अगर आपको दे रखे क्वेश्चन तो इंडिविजुअल कैलकुलेट करना है, अगर दोनों टर्म को एक साथ देता है तो आपको लेनी है स्मॉल वैल्यू। स्मॉल वैल्यू कौन सी है, 1 2 3, प्रोसेस वही रहेगा सेम, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 24, फर्स्ट टर्म 24 को जब डिवाइड करोगे 5 से तो कितना आएगा 4, फर्दर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि कंप्लीट डिविजिबल किस पे हो गया, 4 पे, तो इन दोनों को क्या करोगे ऐड, तो कितना आया 28, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, 28 होंगी। सो गाइस आज का क्वेश्चन है 1³ × 2³ × 3³ × 4³ × 1283³। इस क्वेश्चन का में आपको काउंट करना है नंबर ऑफ जीरो और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर, ओड फैक्टर और प्राइम फैक्टर। थैंक यू गाइज एंड सब्सक्राइब स्मार्ट एंड ट्रिक स्टडी यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेटेड वीडियोज एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर लेटेस्ट वीडियो एंड करंट अफेयर्स न्यूज।